डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हमारी बेस्ट बुक्स हैं प्रेपरेशन के लिए, जब हमारी प्रेपरेशन की बात आई जेई और नीट की फिजिक्स की। तो यहाँ हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट बुक्स रहती हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे किसकी, नीट के बारे में। नीट का डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा एक मेडिकल एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, जब हम नीट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा थॉरो रिवीजन होना चाहिए वो है हमारी एनसीईआरटी। ये हमारी 11th और 12th दोनों के लिए थॉरली रिवाइज्ड होनी चाहिए। अच्छे से एक बार आप गो थ्रू करें इसे, और इनफैक्ट ये सबसे पहले एक बाइबल की तरह आप ट्रीट करें नीट एग्ज़ाम के लिए। ये एनसीईआरटी अगर आपकी थॉरली रिवीजन है तो आगे की बुक्स जो रेफरेंसेस बुक हैं वो कम आपको प्रीवियस या पेपर्स यूज़ करने का ज़्यादा हेल्प रहेगा। इसके बाद अगर बच्चा चाहता है कि आप चाहते हैं कि कोई और भी बुक रेफरेंस करें, या आप किसी को कहीं कुछ कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो या क्वेश्चंस कम लगे कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तब हमारी बात आती है एचसी वर्मा की। अब ये तो काफ़ी फेमस बुक हैं जो जेई के बच्चे भी अपनी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो एचसी वर्मा भी 11, 12 दोनों के लिए काफ़ी इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और नीट के एग्ज़ाम के लिए लेवल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको दिख सकते हैं। फिर हमारा इसी के साथ जो अब हम बात करेंगे वो है हमारी एसएल अरोड़ा बुक की। ये भी हमारी एचसी वर्मा, एसएल अरोड़ा, ये दोनों ही हमारी काफ़ी सही बुक्स हैं जब हम बात करें अपने डिस्कशन करना चाहें कि प्रैक्टिस करनी है। फिज़िक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो न्यूमेरिकल हर तरीके का क्लियर हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए ये दोनों जो बुक्स हैं ये काफ़ी हमारी फेमस बुक्स हैं। इसी के बाद अब हम अब हम बात करते हैं कि ये हमारा जब यहाँ तक का सारा थॉरो कॉन्सेप्ट क्लियर हो के प्रैक्टिस हो गई, इसके बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स हो, आप उठा के एक बार गो थ्रू कर लिए। जैसे कि इसमें भी हमारा आ गया नीट चैम्पियन करके कुछ है जो बुक है वो हमारा, उससे आप गो थ्रू कर लिए, करके देखिए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या अब हम बात करें किसकी, एनसीईआरटी जो फिंगर टिप्स पर आपकी होनी चाहिए, या और इसी के साथ साथ जो भी आपको लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यानी कि 10 ईयर्स के पेपर्स आप उठा लीजिए और वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि आपको आइडिया भी लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होता है एग्ज़ाम में। एक बार वो क्लियर हो जाए तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, एचसीएल अरोड़ा प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स कर ले इंसान, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और 10 ईयर्स के पेपर्स से तो आइडिया लग ही जाएगा कि एग्ज़ाम में जनरली पूछे कैसे जाते हैं और आप अपना टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ें। अब अगर बच्चे को लगता है कि थोड़ा और टाइम है, तो इसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें तो वो ये है कि अब आईआईटी जेई के जो प्री मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, मेंस के क्वेश्चंस रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसमें कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जेई एडवांस में थोड़े हाई लेवल, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस आते हैं, पर जेई मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो किसी तरीके से नीट के लेवल से मैच कर जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने में बुरा नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो आप आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफ़ी हमारे हेल्पफुल रहेंगे फर्दर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। फिर सिंपल सी बात याद रखिए कि अपने अगर सॉल्व, अगर आपको डाउट भी करने हैं तो अपना देखिए कहाँ पे आप अटक रहे हैं, उस हिसाब से की बुक आप चूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स और इन सब के भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप अपनी ये कुछ बुक्स जो फॉलो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको आगे इन और डेप्थ में जाने की ज़रूरत होगी ही नहीं। बस मंत्रा ये रखें, अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल इज़ नॉट रीच्ड। बस ये जो फॉर्मूला है, बस मंत्रा यही फुलफिल करते रहिए।
और अब हम बात करेंगे जेई के एग्ज़ाम के बारे में कि जेई एग्ज़ाम में कौन सी सबसे ज़्यादा बुक्स फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एनसीईआरटी इसके लिए हम रेफ़र कम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते बच्चों के कई बार। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि प्रोजेक्टाइल अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 3 फॉर्मूला से डिफाइंड है एनसीईआरटी में, पर क्या 3 से हमारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं? नहीं। तो इसलिए एनसीईआरटी एक बार रीड तो होगी क्योंकि स्कूल में पढ़ी जाएगी, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा कि आप अच्छे से उनको बस रिवाइज कर लें। इसके लिए जो और जो जेई मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जेई के लिए जो इसमें आएगी अब वो हमारी होती है एचसी वर्मा, दोनों पार्ट्स जो आते हैं इसके 1 और 2, 11th 12th दोनों के लिए होता है वो। एचसी वर्मा, ये एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं और वो सारे ही टॉपिक्स को कवर कर लेता है। तो इसमें क्या है, आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और समझने के लिए भी ये काफ़ी आसान रहता है। अब यहीं पे अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें कि किसी चीज़ में अगर आपको अटक रहे हो, फॉर एग्जांपल लगता है कि यार ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया और कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसका जो सबसे बहुत अच्छी बुक है वो है हमारी कॉन्सेप्ट के लिए हैलिडे, रेसनिक एंड वॉल्कर की बुक है हमारी, उसे कहते हैं हम क्या, फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स। ये हमारी बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप पढ़ना चाहें, कॉन्सेप्ट कुछ समझना चाहें एक बार कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया मॉडर्न फिज़िक्स का, ये कुछ रह गया डाउट, तो ये आप अच्छी सी अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल आपके फिज़िक्स के बड़े अच्छे क्लियर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है सारे टॉपिक्स का। तो ये बेस्ट बुक्स हो गई हमारी कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। फिर अगर हम बात करें कुछ डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि अलग अलग बुक की अलग अलग खासियत भी होती है, अगर आप देखें तो आपको कुछ बुक में कुछ अच्छा लगता है, किसी बच्चे को किसी बुक में कुछ अच्छा लगता है, तो अपना अपना वो रहता है। इसी के बाद अब हम बात करते हैं, बुक आती है अब हमारी डीसी पांडे की। अब डीसी पांडे की बुक सबसे अच्छा, उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसकी है, डेरिवेशन की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड डेरिवेशंस हैं और इसमें भी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई के जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो यहाँ पे इसका भी ये फ़ायदा है कि डीसी पांडे, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे करके है, अरियन पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें सेट ऑफ बुक्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस बुक में आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, सॉल्व भी मिलेंगे आपको काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन और अनसॉल्व भी, तो अच्छे से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा इस बुक से। तो इस बुक के भी अपने काफ़ी फायदे हैं। फिर इन जनरल अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो IE IRIDOV कर जो बुक है, जिसे यानी कि प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स कहते हैं, उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो आप क्या है कि एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये हमारा कुछ है। फिर इसके अलावा क्या है, बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, SS क्रुटोव की होती है या शशिभूषण तिवारी की जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स करके, उसमें भी आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, पर ये मैंने आपको मेन बुक्स बता दी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी हैं। और फिर लास्टली प्रीवियस ईयर पेपर, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इस समय क्या पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, क्योंकि पैटर्न चेंज अगर कभी हुआ है तो आपको एग्ज़ाम का पता भी रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है या क्या आपके प्लस या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको बेहतर करने हैं। तो ये हमारा काफ़ी सही अप्रोच है, अगर ये बुक्स आप अपनी नीट और फिजिक्स के लिए जो डिस्कस करी हैं ये काफ़ी सही रहेंगी, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएगा। नीट के लिए NCERT, HC1, SL अरोड़ा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अगर ज़्यादा टाइम है तो IIT JEE मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 ईयर्स पेपर्स कर लें,
बेस्ट दोनों के लिए। ये तो मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाइए और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आप किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर जेई के लिए एनसीईआरटी तो क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो आप कर सकते हैं, तो एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार कुछ बीच में से एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो उस तरीके के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकते हैं, तो एनसीईआरटी तो एक मस्ट ही हो जाती है। इसके लिए फिर एचसी वर्मा से शुरू करिए। कंसेप्ट समझने हैं तो ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स फैलिडे रेसनिक वॉल्कर के डीसी पांडे देखिए। अगर डेरिवेशन में कहीं कुछ समझ नहीं आया कि क्या चीज़ यूज़ की है, कौन सा प्रिंसिपल लगाया गया है, कौन सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया गया है, तो डीसी पांडे। फिर आईई इरिडोव की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और लास्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये हमारा फुलफिलिंग है अगर हमें एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्लियर करना है, और टाइम एंड डिवोशन तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। डाउटनट को फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें हमारे चैनल को। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।